नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सिलजाट पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम हल करेंगे गणित कक्षा 8 के अंतर्गत अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक सवाल हल करते हैं। चलिए, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में से एक घटा दिया जाए तब हमें 3/2 प्राप्त होता है। वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसे हल करते हैं। परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। अंश को हम x मान लेंगे, हर x में 8 जोड़ देंगे तो हम लिखते हैं, माना कि परिमेय संख्या का अंश एक से तब हर बराबर x प्लस 8 होगा। इस प्रकार परिमेय संख्या होगी अंश ऊपर होता है और हर नीचे होता है, यानी अंश यहाँ x है, हर यहाँ x प्लस 8 है, तो परिमेय संख्या होगी x बटा x प्लस 8। अब ये प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए और हर में से एक घटा दिया जाए तो हमें 3/2 प्राप्त होता है। तो हम लिखेंगे, अंश है x, उसमें हम 17 जोड़ दें और हर x प्लस 8 इसमें से एक घटा दें तो हमें 3/2 प्राप्त होता है। इसे हम हल करते हैं और x का मान ज्ञात करते हैं। x प्लस 17/(x+8) और ये माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, x प्लस 7 बराबर 3/2। अब यहाँ वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करने पर तो यहाँ हम वज्र गुणा करेंगे, 2 का गुणा इनसे करेंगे और 3 का गुणा इनसे करेंगे। इस प्रकार से गुणा करेंगे, 2 का गुणा हम 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 2x, 2 का गुणा प्लस 17 से करेंगे तो प्लस का 17 × 34 बराबर। अब यहाँ 3 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 3x, और यहाँ 3 का गुणा 7 से करेंगे प्लस 7 × 21। अब यहाँ इसे हम पक्षांतर करेंगे तो कितना आएगा, 34 माइनस 21 को हम इधर ले आएंगे तो माइनस का 21 हो जाएगा, प्लस का 21 है, माइनस का 21 हो जाएगा बराबर 3x माइनस 2x, 2x को उधर पक्षांतर करेंगे, माइनस का 2x हो जाएगा इसे हम इधर भी ला सकते थे, 34 में से हम 21 घटा देंगे कितना बचेगा, 13 बराबर 3x में से 2x घटाएंगे तो आएगा यहाँ x। इसे हम इस प्रकार से भी कर सकते थे, यदि हम इसे इधर लाते हैं तो 2x माइनस 3x होता बराबर 21 माइनस 34 होता। अब यहाँ 3x में से 2x घटाते हैं तो माइनस का 1x बचता, और यहाँ 34 में से 21 घटाते हैं तो माइनस का 13 बचता, x बराबर कितना आता, 13। इस प्रकार से भी हम इसे हल कर सकते थे, तो आप इसे हल कर सकते हैं, x का मान कितना आ गया, 13। तो इस प्रकार से हमारी जो भिन्न थी, परिमेय संख्या थी x/(x+8), x का मान है यहाँ 13 और यहाँ 13+8 कितना हो जाएगा, ऊपर अंश में 13 और बटा 13 में हम 8 जोड़ेंगे 21, यानी 13/21। तो हम लिख सकते हैं, अतः
वह परिमेय संख्या है बराबर 13/21 और यह हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने ये सवाल हल किया। आप भी इस सवालों को समझ के हल कीजिए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू। 2 - x² का